परिवार की बेहतरी के लिए मुंबई में मजदूरी करने वाला युवक अपने घर वापस लौट रहा था कि लखनऊ से महमूदाबाद आ रही बस में जहरखुरानी का शिकार हो गया और जहरखुरानी करने वाले युवक ने उसका मोबाइल फ़ोन और 2000 रुपये लूट लिए। इसके बाद वह अपने घर जाने के बजाय महमूदाबाद बस स्टॉप आ गया, जहां पर उसको बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने CSC में भर्ती कराया, जिसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई और पत्नी उसको अपने घर वापस ले गई। नमस्कार, मैं हूं शहाबुद्दीन। मैं बम्बई से आ रहा था, लखनऊ आके पहुंचा था। लखनऊ से फिर हमने बस पकड़ी, बस पे बैठा, टेढ़े पुलिया पे आ रहे थे, तभी एक हमारा जैसा लड़का आया और हमारे पास में आके बैठ गया। बोला, भैजान आप कहाँ जाओगे? हमने उससे बोला कि मैं बड्डूपुर जाऊँगा। फिर मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जाओगे? उसने बोला कि हम महमूदाबाद जाएंगे। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। उस लड़के ने एक अपने हमारे लिए कमला निकाला और कहा, भैजान खाओगे? हमने कहा ठीक है, दे दो, खाएंगे। तो हम कमला खा रहे थे, अभी कुछ देर बाद उस लड़के ने एक बिस्किट का पैकेट निकाला, बोला, भैजान बिस्कुट लो, खा लो। हमने कहा, नहीं, अभी तो हमने मसाला खाया है, अब बिस्कुट नहीं खाएंगे। उसने 2-3 बार कोशिश की कि ये पानी लो, कुल्ला कर लो, फिर बाद में खा लेना। तो हमने उसकी बात मान ली, पानी उसने दिया, हमने कुल्ला किया। कुल्ला करने के बाद उसने हमको एक बिस्किट दिया, वो बिस्किट मैं खा गया। जब मैं बिस्किट खा चुका था, एकदम आखिरी में जब मैं लील रहा था, तो उसका जो बिस्किट का लास्ट का कस था, नीम की पत्ती के जैसा करू लग रहा था। मेरे को डाउट हुआ कि ये बिस्किट में कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब खा चुका था तो मैं क्या करता। और आधा घंटा तक मुझे होश रहा, फिर मैंने अपनी जेब से पूड़ी निकाली, मैंने अपनी पूड़ी खाया और उस लड़के को पूछा कि आप भी खाओगे? उसने बोला, मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैंने अपने बैग से चॉकलेट निकाली, मैंने उससे पूछा, खाओगे भाई चॉकलेट? तो उसने 3 चॉकलेट उनको मैंने दिया। आधे घंटे बाद ऐसा टाइम बीतता गया और फिर मुझे अचानक मैं बेहोश हो गया और वो लड़का हमारे बैग और बैग में जो भी सामान था, वो हमारा मोबाइल 10,000 रुपये का था और बैग में 2000 रुपये थे, 4 पैकेट खजूर के थे, 1 पैकेट नमकीन थे, 2 किलो नारियल था, 6 नारियल के गोले थे कच्चे वाले, कपड़े थे और 1 लौकी का तेल था, 1 सुकून तेल था, 1 सुकून का छोटा तेल था, 1 लुकमान हयात था, हमारा आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पहचान पत्र और पिन कार्ड भी उसमें रखा था, हमारी तौलिया रखी थी, हमारी बनियान थी, हमारी चड्ढी थी और उसमें बहुत से सामान थी जो हमें याद नहीं आ रहा है। उस लड़के ने लेके भाग गया। फिर बस वालों ने हमको, जब मैं आगे पहुंचा लास्ट स्टेशन पर, फिर भी मैं उतरा नहीं क्योंकि मैं बेहोश था, तब बस वालों ने मुझे उठा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, तब जाके मेरी जान बची। तो हमारा सभी लोगों से गुजारिश है कि रास्ते में जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं,